हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारी इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। तो आज आपके साथ एक मज़ेदार चीज़ हम करने वाले हैं। हालांकि इसकी मैं एक पार्ट बना चुका हूं, लेकिन उसी को मैं रिपीट करता हूं। मैं बात करता हूं अमाउंट या जो भी नंबर को वर्ड में कन्वर्ट करने की। जैसे मान लीजिए कि यहाँ मैंने लिख दिया 105, तो मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ 105 रुपीज़, डॉलर, जो भी करना चाहें। और इसको हिंदी में भी हम करना चाहेंगे, जी हाँ, हिंदी के अंदर भी इस चीज़ को करना चाहेंगे। तो कैसे करें हिंदी इसको कैसे करेंगे? तो उसके लिए इसको वीवी के थ्रू होगा, नॉर्मल तो होगा नहीं। तो आपको एक्सेल हेल्प पे सर्च करना है कन्वर्ट नंबर इनटू वर्ड, कन्वर्ट नंबर इनटू वर्ड। तो इससे क्या होगा, आपके कोड मिल जाएंगे। अब इस कोड को यहाँ से उठाइए, पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी कीजिए। फिर डेवलपर टैब में जाइए और इसमें विजुअल बेसिक पे क्लिक कीजिए। अगर डेवलपर टैब आपके सिस्टम नहीं है तो आप फाइल मेनू से हटा से ला सकते हैं, या फिर अल्ट एफ 11 प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे डेवलपर टैब में आपको विजुअल बेसिक का कोड विंडो खुल जाएगा, जिसको हम लोग VVE विजुअल बेसिक एडिटर कहते हैं। और फिर इसको इंसर्ट कीजिए मॉड्यूल, और मॉड्यूल में उस कोड को जो आपने हेल्प से पेस्ट किया है उसको पेस्ट कर दें। अब इसमें क्या होगा, कुछ कोड रेड हो जाएगा। जी हाँ, देखिए यहाँ पे कुछ कोड जो है रेड हो गया। उस रेड कोड को अब क्या है कि अंडरस्कोर जो लगा है ना, एंटर के लिए लगा है, तो इसको एंटर प्रेस करके नीचे होना चाहिए था, तो आप उसको कर दो। ये छोटी सी प्रॉब्लम होगी, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और यहाँ देखिए, यहाँ एक बीच में स्पेस आ गया है, इसको डिलीट कर दीजिए, दोनों साथ होना चाहिए। बाद बाकी अब आपका फाइनल है। तो मेन फंक्शन क्या है, स्पेल नंबर। तो आप एक्सेल पे आएंगे और यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला स्पेल नंबर का, इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपको आएगा। बट यहाँ डॉलर आ रहा है और नो सेंट भी आ रहा है। तो नो सेंट वगैरह ना आए, डॉलर आ जाए, सेंट हो तो डॉलर के जगह पे रुपीज और सेंट के जगह पे पैसा, और नो सेंट और नो इस तरह का ना आए, नो पैसा ना आए, तो उसके लिए हमें कोड में कुछ चेंजिंग करने होंगे। अब क्या करना होगा, चलिए तो यहाँ पे देखिए 1000 है, मिलियन है, बिलियन है, ट्रिलियन है। उसके बाद नीचे आप आइए, अब देखिए नो डॉलर यहाँ दिख रहा है आपको, नो डॉलर। तो इस नो डॉलर को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ब्लैंक कर देता हूँ, और यहाँ पे 1 डॉलर। अब डॉलर की जगह पर मुझे यूज करना है रुपीज, क्योंकि मैं इंडिया से हूँ तो इंडिया में रुपीज चलता है, तो यहाँ पे हम डॉलर को रुपीज कर देता हूँ। और जहाँ भी इन्वर्टर कॉमा होगा उसी को चेंज कीजिएगा। अब जैसे इसको चेंज नहीं करना है क्योंकि वेरिएबल है, डॉलर्स के जगह पे रुपीज। और यहाँ नो सेंट हटा दीजिए, एंड नो सेंट, और एंड 1 सेंट के जगह पे यहाँ पे पैसे, और सेंट के जगह पे आप यहाँ पैसे डाल दीजिए। बाद बाकी कुछ और करने की जरूरत इसमें नहीं है, सारा कोड पहले से बना हुआ है। अब मैं यहाँ पे क्लिक कीजिए, देखिए आ गया रुपीज। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1250। अब यहाँ पे मैं 105030, अब 30 की जगह पे मैं 35 करूँ, 35 आ जाएगा। तो ये तो हमारा पार्ट वन कन्वर्ट हुआ, कि आप अपने रुपीज, अपने जो भी नंबर्स हैं उस नंबर्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे वर्ड में इन द इंग्लिश फॉर्मेट। अब मुझे इसको हिंदी में कन्वर्ट करना है, हिंदी में कैसे कन्वर्ट करें। तब कुछ लोग क्या कहे, हमें क्या सलाह दी है, हालांकि मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, इससे पहले कुछ लोगों ने मुझसे इसके बारे में पूछा था। तो हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ लोगों ने सलाह दी है कि गूगल ट्रांसलेटर पे जाइए, और जैसे कि यहाँ पे 1 के जगह पे ये आपका सॉरी हिंदी में 1 लिखिए, 1 एक हो गया। इस एक को कॉपी कीजिए
और यहाँ जहाँ पे वन है वहाँ पे डाल दीजिए। लेकिन 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 इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है, जैसे वन है, अगर मैं यहाँ पे वन डाल दिया तो ये देखिए कॉमा आएगा, क्योंकि अगर आप एक्सेल किसी एक्सेल सीट पे इसको डाल के कैरी करेंगे तो ठीक है, बट नॉर्मल तो पॉसिबल नहीं है। तो कैसे होगा? तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो हिंदी फॉन्ट डालना होगा। जी हाँ, हिंदी फॉन्ट। तो आपको गूगल पे जाना होगा और यहाँ पे हिंदी फॉन्ट, हालांकि अगर मैं इसमें होता गूगल में गूगल शीट्स में होता तो मैं इसको सिंपल सा यूज कर सकता था। गूगल ट्रांस, एक हिंदी में एक होता है गूगल ट्रांसलेटर नाम का फॉर्मूला, उसको हम यूज कर सकते थे, बट गूगल में हम है नहीं, हम नॉर्मल एक्सेल के थ्रू करना चाहते हैं। ये हमने डाउनलोड कर लिया कुर्ती देव और इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। हो सकता है कि हमें ये इसमें आ गया हो या फिर ये वाला एक बार अपने इसको रीओपन करना पड़े। देर तो अप्लाई नहीं है, एक बार ही ओपन करना पड़ेगा। तो इस फाइल को मैं सेव करता हूँ एक लोकेशन में एक्सेलएस एम के नाम से और इसको सेव कर दिया फाइल के नाम से। और एक एक्सेल सीट और भी है, इसको भी क्लोज कर देता हूँ। अब वापस हम इस एक्सेल को रीओपन करते हैं। यहाँ ये ना पुट दे 2:10:021। अब इसमें क्या होगा कि वन एक है हमारा, तो एक लिखने का यहाँ पे आपको ये देना पड़ेगा। अब मुझे इसका दिक्कत ये है कि इसकी टाइपिंग नहीं आती है, मैं देख लेता हूँ, एडिंग नहीं आती थी, कोई बात नहीं, हमने जो फॉन्ट अनइंस्टॉल किया है उसी को ओपन करते हैं। मैंने कभी हिंदी फॉन्ट की नहीं थी इसलिए प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं।
एक। अब इस एक जो हुआ है इसका जो करैक्टर है, इस करैक्टर को हमें यहाँ जहाँ वन है हमारा ये जो प्रोग्रामिंग के अंदर में जो वीवी प्रोग्राम हमने अभी खोला हुआ था उस वीवी प्रोग्राम में जाना होगा, और जहाँ हमने ये वन डाला हुआ है वन उसके जगह पे ये डाल दिया। ऐसे ही अब दो, तो दो का यहाँ पे हमें देना पड़ेगा, दायित्व ऊपर था, एन से द होता है, दो में हमें इसको रखना है। उसके बाद तीन है हमारा, तो आई थिंक इससे होता है तीन, आई थिंक नौ इससे होता है तीन, तो तीन इसको हमें यहाँ रखना होगा। चार के लिए इस चार को हमें कॉपी करना है और फिर इस चार को फोर की जगह पे डाल देना, ऐसे ही आपको बाकी करना होगा। अब देखिए इसमें अगर हम डाल देते हैं फाइव, यहाँ पे अगर वन डालते हैं तो देखिए डी रुपीज करके आ रहा है, तो अगर इसको अगर आप उतनी देर फॉर्मेट में अगर डाल दें इसको, तो आप देखेंगे कि ये वन आएगा आपको, वन आया, एक आया, दो आया, तीन आया, चार आया, चार। तो ये पूरा इसी तरह से आपको जो है ए और बाकी चीज़ को चेंज करना होगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर मैं मेरी वीडियो और मेरी हिंदी टाइपिंग भी नहीं आती है क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी करने की, आप लोग हिंदी टाइपिंग आती होगी तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से चेंज कर सकते हैं। थैंक यू, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्सेज को ऐप पर ले सकते हैं।